Hello everyone, welcome to Mind Space Education. Myself Engineer Iqbal Haider, I am a MEP Design Engineer. In this video, we will talk about HVAC system. If you are watching it first time, please subscribe the channel and press the bell icon to never miss any new updates. After watching this video, you will be able to understand about HVAC system. जैसे HVAC सिस्टम क्या होता है, इसके मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, HVAC सिस्टम का इम्पोर्टेंट रोल क्या है, HVAC सिस्टम के को डिज़ाइन करने के पैरामीटर्स क्या हैं, ये सब के बारे में आप जान पाएंगे ये वीडियो देखने के बाद. व्हाट इज HVAC सिस्टम? HVAC सिस्टम वैसा एक तकनीक है जो कि इनसाइड बिल्डिंग और वाहनों में, जब हम लोग गाड़ी वगैरह में सफ़र करते हैं या बिल्डिंग्स में हम लोग घर में बैठे होते हैं, तो हमें टेम्परेचर की वजह से कभी कभी हम अनकंफर्ट फील होता है. जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी फील होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी फील होता है, तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करना है जहाँ पे हमें आराम मिल सके, वैसे सिस्टम्स को हम लोग HVAC सिस्टम बोलते हैं. वैसे सिस्टम के कारण जो हमें आराम फील होता है वो हमारा HVAC सिस्टम है. हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग. HVAC इज द टेक्नोलॉजी ऑफ इंडोर एंड वेकुलर एनवायरनमेंट कंफर्ट. अगर इसको दूसरे शब्दों में हम लोग बोलें, सिस्टम इज डिजाइन टू अचीव द एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंफर्ट ऑफ ऑक्युपेंट्स एंड अ प्रोसेस. HVAC सिस्टम को जो डिज़ाइन किया गया है वो एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स को कंफर्ट लेवल पे मेंटेन करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है. सपोज़ आप अगर किसी रूम में बैठे हुए हैं, आपको उस रूम का टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है, जैसे आपको गर्मी फील हो रही है, या फिर टेम्परेचर ज़्यादा कम लग रहा है, आपको ठंडी फील हो रही है, तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए HVAC सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है, इस तकनीक का यूज़ किया गया है ताकि आपको आराम फील हो सके. They are the system that keep you warm and cozy in the winter and feeling cool and fresh in the summer. जी हाँ, यह एक सिस्टम है जो आपको ठंडी के सीजन में गर्म रखेगा, अच्छा महसूस कराएगा, और गर्मी के सीजन में आपको ठंडा फील और आपको ताजगी देगा. They also are the system that filter and clean indoor air to keep you healthy and maintain humidity levels at optimal comfort levels. जी हाँ, यह आपको रूम के अंदर क्लीन एयर मेंटेन करता है और आपके ह्यूमिडिटी लेवल्स को आपके आराम के हिसाब से कंट्रोल रखता है ताकि आप हेल्दी रह सकें, आप स्वस्थ रह सकें, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप आराम महसूस कर सकें. इट्स गोल इज टू प्रोवाइड थर्मल कंफर्ट एंड एक्सेप्टेबल इनडोर एयर क्वालिटी. जी हाँ, इसका लक्ष्य है कि आपको थर्मल कंफर्ट प्रोवाइड करे और एक एक्सेप्टेबल इंडोर क्वालिटी दे. एक्सेप्टेबल इंडोर क्वालिटी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि रूम के अंदर आप जहाँ इनसाइड द बिल्डिंग जहाँ भी आप बैठे हुए हैं, उसके एयर को फ्रेश रखना, रिसर्कुलेट करते रहना, एयर की क्वालिटी को अच्छा रखना. सपोज रूम में डस्ट है तो उसको रूम से रिमूव करना. सपोज रूम में स्मेल है, उस स्मेल को रूम से फ्रेश एयर के थ्रू रूम से रिमूव करना, तो ये इसका लक्ष्य है. एक्चुअली ये अपने लक्ष्य को दो टाइप से अचीव करता है, एक तो आपको थर्मल कंफर्ट प्रोवाइड करके, दूसरा इंडोर एयर क्वालिटी प्रोवाइड करके. अब यहाँ पे बात आती है कि थर्मल कंफर्ट है क्या. एक्चुअली ह्यूमन थर्मल कंफर्ट जो होता है, सपोज आप किसी रूम में बैठे हुए हैं, आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, गर्मी के सीजन में आप बहुत परेशान हो जाते हैं, आपको ह्यूमिडिटी होने लगती है, आपको पसीना आने लगता है, आप बेचैन होने लगते हैं, आप बोलते हैं उस टाइम कि वो बहुत ज़्यादा गर्मी है. अभी ठंडी के सीज़न में भी ऐसे ही आपके साथ होता है, ज़्यादा ठंडी लगने लगता है रूम के अंदर में, आप नॉर्मली बैठ नहीं सकते कंफर्ट लेवल पे. तो उस एक पार्टिकुलर टेम्परेचर को जब आप मेंटेन करते हैं अपने रूम के, तो और वैसा टेम्परेचर जहाँ पे आपका दिमाग आपको बोले हाँ अब आराम महसूस हो रहा है, हाँ अब अच्छा लग रहा है मुझे, जहाँ पे आपको हैप्पीनेस फील हो,
उस टेम्परेचर से, तो वैसे टेम्परेचर्स को और वैसे जोन को हम लोग थर्मल कंफर्ट बोलते हैं। यही हमारा ह्यूमन थर्मल कंफर्ट भी होता है। इंडोर वाटर क्वालिटी के बारे में ऑलरेडी समझ ही चुके हैं कि अराउंड द बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स, हमारे आसपास का जो भी इनसाइड द बिल्डिंग, आसपास के बिल्डिंग में जो एयर क्वालिटी है उसको डस्ट से और स्मेल से वहां पे फ्री करता है उसको फ्रेश एयर के थ्रू, तो वो हमारा इंडोर एयर क्वालिटी है। HVAC इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर सच एज सिंगल फैमिली होम्स, अपार्टमेंट बिल्डिंग, होटल्स एंड सीनियर लिविंग फैसिलिटीज, मीडियम टू लार्ज इंडस्ट्रियल एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स सच एज स्काई क्रैपर्स एंड हॉस्पिटल्स, व्हीकल सच एज कार, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप्स एंड सबमरीन, एंड इन मरीन एनवायरमेंट्स वेयर द सेफ एंड हेल्दी बिल्डिंग कंडीशन आर रेगुलेट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी यूजिंग फ्रेश एयर फ्रॉम आउटडोर। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे इतने सारे एक्सप्लेनेशन के बारे में कि HVAC सिस्टम जो है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आज के डेट में किसी भी रेसिडेंशियल, किसी भी घर के लिए, ऑफिस के लिए, सिंगल फैमिलीज के लिए, किसी भी कंपनीज के लिए। अगर आप शिप में ट्रेवल करते हैं तो शिप के लिए, एरोप्लेन के लिए, ट्रेन के लिए आजकल हर जगह AC का कंपलसरी है। गर्मी के का सीजन हो या ठंडी का सीजन हो, आज के डेट में AC कंपलसरी है हमें फ्रेश रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। HVAC इज बेसिकली क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ कंफाइंड स्पेस विद द रेस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्सन और गुड इन इट। जी हाँ, HVAC जो है वो बेसिकली क्लाइमेट कंट्रोल डिवाइस है HVAC, जिससे आप अपने जहाँ पर आप बैठे हुए वहां पर के क्लाइमेट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कोई आदमी जहाँ पर बैठा हुआ है वहां पे वो अपने आप को कंफर्ट फील करने के लिए, उसके टेम्परेचर को अपने कंफर्ट लेवल पे लाने के लिए उसको कंट्रोल कर सकता है। या फिर कोई सामान रखा हुआ है, सपोज आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर वगैरह में या फिर कोल्ड स्टोरेज वगैरह में, वहां पे गुड्स रखे हुए होते हैं, सामान रखे हुए होते हैं जो कि टेम्परेचर के कारण वो खराब हो सकते, तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर को वहां पे मेंटेन करने के लिए हम लोग HVAC का यूज करते हैं। हीटिंग ऑफ एयर इज डन यूजुअली इन विंटर एंड सिमिलरली कूलिंग ऑफ एयर इज डन इन समर सीजन। बिल्कुल, हीटिंग जो है हमारा वो विंटर सीजन में किया जाता है और हमारा समर सीजन में कूलिंग का प्रोसेस हम लोग करते हैं वहां पे। अब यहाँ पे बात आती है कि HVAC के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं, HVAC कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। तो आप अभी तक पता चल ही गया होगा कि अभी तक रेसिडेंशियल एरिया में, कमर्शियल में, कमर्शियल जैसे बिल्डिंग्स हो गए, मॉल्स हो गए, ये सब एजुकेशनल आजकल इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस वगैरह में भी आप देखते हैं कि हॉस्टल्स वगैरह में आप जाएंगे देखेंगे तो AC के अलग रेट्स हैं रूम्स के और नॉन AC के अलग है। तो आप समझ ही सकते हैं कि आजकल HVAC का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। ऑडिटोरियम्स एंड थिएटर्स में, हॉस्पिटल्स में, फार्मा मेडिकल्स में, मॉल्स में, इंफोटेक पार्क्स में एंड मेनी मोर, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे HVAC का यूज किया जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन कंफर्ट, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को आप एयर टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, ह्यूमिडिटी जिसकी वजह से हमें पसीना आता है वो भी कंफर्ट लेवल को अफेक्ट करता है। एयर का मूवमेंट प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो हमारा कंफर्ट लेवल अफेक्ट होगा। फ्रेश एयर जहाँ पे हमें, वहाँ पे फ्रेश एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो हम वहाँ पे भी कंफर्ट लेवल हमारा अफेक्ट होगा। क्लीन एयर होना चाहिए, नॉइज लेवल हमारा अंडर कंट्रोल होना चाहिए, जहाँ पे हम है वहाँ पे ज़्यादा नॉइज नहीं रहना चाहिए, हमारे कंफर्ट लेवल के हिसाब से रहना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे भी हम लोग अनकंफर्ट फील करेंगे। इसलिए जब हम लोग HVAC डिज़ाइन करते हैं तो नॉइज लेवल का वहाँ पे खास ख्याल रखा जाता है। एडिक्वेट लाइटिंग, लाइटिंग प्रॉपर रहना चाहिए, प्रॉपर फर्नीचर वर्क सरफेस होना चाहिए, मेटाबॉलिक रेट एंड क्लॉथिंग इंसुलेशन। मेटाबॉलिक रेट क्या है? मेटाबॉलिक रेट जिसकी वजह से हमारे बॉडी में हीट जनरेट होता है। हर इंसान का मेटाबॉलिक रेट अलग अलग होता है। सपोज अगर आप खेल के आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा गर्मी फील होगा, अगर आप नॉर्मली बैठे हो उसके बाद आप खाना खा करके आते हैं तो भी आपको ज़्यादा गर्मी फील होता है, तो ये हमारा मेटाबॉलिक रेट की वजह से होता है। जनरली मेल के अंदर में मेटाबॉलिक रेट फीमेल के कंपेयर में ज़्यादा बताया गया है।
क्लॉथिंग इंसुलेशन आपने क्या पहन पहन रखा है उस पर भी डिपेंड करता है। व्हाट इज टीआर? टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन यह एक यूनिट है जो एयर कंडीशनर के कूलिंग कैपेसिटी को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। 1 TR इज अमाउंट ऑफ हीट टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एटमोसफियर फॉर मेल्टिंग 1 मेट्रिक टन ऑफ आइस इन 24 आवर्स। जी हाँ, 24 घंटे में 1 मेट्रिक टन आइस को पिघलने के लिए जितने हीट की जरूरत होती है उसको हम लोग 1 TR बोलते हैं। या आप दूसरे शब्द में ऐसे बोल सकते हैं कि 1 मेट्रिक टन आइस जो 24 घंटे में जितना हीट एब्सॉर्ब करता है पिघलने के लिए वो 1 TR होता है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन 1 TR इक्वल टू 12,000 BTU पर आवर और 3025 किलो कैलोरी पर आवर। यहाँ पे बात आती है BTU। BTU एक्चुअली यह हीट का एक यूनिट है जिसका फुल फॉर्म है बेसिक थर्मल यूनिट। व्हाट इज रेफ्रिजरेशन साइकिल? रेफ्रिजरेशन साइकिल कूलिंग प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, कूलिंग करने के लिए जो प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है वो रेफ्रिजरेशन साइकिल कहलाता है। इसका मेन काम होता है कूलिंग प्रोड्यूस करना। अ रिवर्स थर्मोडायनेमिक साइकिल वेयर बाई हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ बॉडी विथ अ लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी विथ अ हायर टेम्परेचर ओनिंग टू द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। जी हाँ, एक यह एक रिवर्स थर्मोडायनेमिक साइकिल है जहाँ पे लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी में जब हीट का ट्रांसफर होता है, टेम्परेचर का ट्रांसफर होता है, तो वो भी किसके कारण? किसी वर्क के कारण, तो वो हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल कहलाता है। इसको हम लोग बाद में डिटेल में इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाएंगे, उससे हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा रेफ्रिजरेशन साइकिल का, टीआर का, ये सब का पूरा क्लियर हो जाएगा। रेफ्रिजरेशन साइकिल आर कंसेप्चुअल एंड मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ हीट, एयर कंडीशनिंग और एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स। यह एक प्रोसेस है जिससे हम लोग कूलिंग प्रोड्यूस करते हैं। एचवीएसी सिस्टम वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हीट ट्रांसफर। थर्मोडायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मूवमेंट ऑफ हीट। आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्मा मीन्स हीट एंड डायनामिक मीन्स मूवमेंट। दैट मीन्स थर्मोडायनामिक्स हीट और वर्क का जो इंटररिएक्शन होता है उसके साथ डील करती है और उसके इफेक्ट को देखती है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है तो उस सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और उसकी प्रॉपर्टी किस तरह चेंज हो रही है। एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स का जो एम है वो हीट एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना जिसको हम लोग यूटिलाइज कर सके। उसी तरह फ्लूड मैकेनिक्स है। फ्लूड मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूड्स। फ्लूड मैकेनिक्स में क्या है, फ्लूड के बिहेवियर के साथ डील किया जाता है। फ्लूड हमें मालूम है लिक्विड एंड गैसेज स्टेट में ही रहते हैं और वो जो गैसेज स्टेट है वो रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन के कारण भी हो सकता है। उसी तरह हीट ट्रांसफर इज द एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इन मीडियम और बिटवीन टू और मोर मीडिया। हीट ट्रांसफर जो है, जो दो टेम्परेचर डिफरेंस, दो मीडियम के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके थ्रू वो डील करता है। हीट ट्रांसफर इज द एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इन मीडियम और बिटवीन टू और मोर मीडिया। अब यहाँ पे बात आती है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मीन्स हीट ट्रांसफर कितने तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक है यहाँ पे एडवेक्शन। एडवेक्शन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ अ फ्लूइड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर एंड इट डिपेंड ऑन मोशन एंड मोमेंटम ऑफ दैट फ्लूइड। यह फ्लूइड का एक मैकेनिक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है फ्लूइड का, जो कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाने की वजह से जो उसके हीट में चेंजेस आते हैं वो एडवेक्शन कहलाते हैं। जैसे अगर कोई फ्लूड को पाइप के थ्रू अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या किसी भी चीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या व्हीकल के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उसमें फ्लूड में मोशन आएगा उसकी वजह से, और जब वो मोशन आएगा तो उसके हीट में भी चेंजेस आएंगे। ये डिपेंड करता है कि फ्लूड के में मोशन कितना है और फ्लूड के टाइप्स क्या हैं।
उस पे भी वो डिपेंड करता है। दूसरा है यहाँ पे कंडक्शन, जिसको हम लोग डिफ्यूजन भी बोलते हैं, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। मीन्स फिजिकल कॉन्टैक्ट में आने के बाद जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है, हीट का ट्रांसफर होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन्होंने एक पैन पकड़ा हुआ है, इमेज में आप देख सकते हैं एक पैन पकड़ा हुआ है और वो पैन हमारा गैस के ऊपर रखा हुआ है और एक एंड पे उसने हाथ से पकड़ा हुआ है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि वो मेटल के थ्रू, वो सॉलिड स्टेट के थ्रू वहां पे वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है। आप सिंपल वे में ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप किसी भी आयरन रॉड को या स्टील का आप स्पून ही ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए आप, अगर आप उसको गैस के ऊपर रखते हैं ऑन करके गैस को, तो आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम आपका हाथ जलने लगेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मेटल भी हीट हो गया, वो वहां पे क्या हो गया, वहां पे फिजिकल कॉन्टेक्ट में आने की वजह से जब आप उसको टच कर रहे हैं तो वो वहां पे हीट हो गया और हीट वहां पे फिजिकली रेडिएट हो रहा है वहां से वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पे। तीसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? यहाँ पे द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स एनवायरमेंट ड्यू टू फ्लूइड मोशन एंड एवरेज टेम्परेचर इज द रेफरेंस ऑफ इवेल्युएटिंग प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कन्वेक्टेड हीट ट्रांसफर। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, अभी आप देख रहे हैं, सपोज आपने एक चाय का कप लिया हुआ है, चाय का कप अगर आप ला करके रखते हैं और आफ्टर फाइव मिनट बाद आप अगर चाय पीते हैं तो आप देखते हैं वहां पे कि चाय का जो टेम्परेचर है पहले ज्यादा गर्म था, अभी आपको वो ठंडा महसूस हो रहा है, और 10 मिनट छोड़ेंगे तो बिल्कुल ही ठंडा हो जाएगा वो। तो वो एक्चुअली हुआ क्यों ऐसा? क्योंकि इसने क्या किया, अपने इक्विलिब्रियम स्टेट पाने के लिए, हीट की टेंडेंसी होती है हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करने का, तो ये यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे सराउंडिंग में ये क्या किया, यहाँ पे इसने हीट का ट्रांसफर कर दिया। सपोज रूम का टेम्परेचर था यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड था और चाय का टेम्परेचर था 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप जब लाए उसको, तो वो क्या हो गया, वो 25 डिग्री पे आने के बाद इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया और वो ठंडा हो गया। तो कन्वेक्शन भी हमारा क्या है, इसको ये भी एक हीट का हीट ट्रांसफर है, हीट मोड का। अब यहाँ पे देख सकते हैं रेडिएशन, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि रेडिएशन की वजह से जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, सपोज गैस ऑन है कहीं पे, आप वहां पे खड़े हुए हैं तो आपको भी वहां पे हीट महसूस होगा, तो वो हीट किसकी वजह से महसूस हो रहा है, रेडिएशन की वजह से महसूस हो रहा है, वो हीट का ट्रांसफर हो रहा है जिसको हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। आपने उस हीट को टच नहीं किया है, आपने वहां पे किसी भी चीज को टच नहीं किया, आप सिंपली वहां पे खड़े हुए हैं लेकिन फिर भी आपको वहां पे हीट महसूस हो रहा है उस गैस का। सपोज आप हीटर के पास खड़े हुए हैं तो वहां पे आपको हीटर का हीट महसूस होगा, क्यों? क्योंकि ये रेडिएट हो रहा है हीट वहां पे। तो ये हमारा एक फॉर्म है जिससे हीट का ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये चार थे, एडवेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब देखते हैं यहाँ पे HVAC के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। HVAC के मेन कंपोनेंट्स यहाँ पे है एयर कंडीशनर, कंप्रेसर जो के हार्ट ऑफ द HVAC भी बोला जाता है, कंडेंसर, थर्मल एक्सपेंशन वॉल्व, एयर हैंडलर इंक्लूडिंग एवेपरेटर, फैन एंड ब्लोअर, थर्मल यूनिट्स, चिलर्स, डक्ट सिस्टम, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो सिर्फ हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं, वन बाय वन हम लोग डिटेल में देखेंगे एवरी कंपोनेंट्स को नेक्स्ट वीडियो में। टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, DX सिस्टम, चिलर सिस्टम, कूलिंग टावर सिस्टम। DX सिस्टम, इन द DX सिस्टम द एयर यूज्ड फॉर कूलिंग द रूम और स्पेस इज डायरेक्टली पास्ड ओवर द कूलिंग कॉइल ऑफ द रेफ्रिजरेंट प्लांट। जी हाँ, DX सिस्टम डायरेक्ट एक्सपेंशन कूलिंग है। इस इक्विपमेंट में एक रेफ्रिजरेंट कॉइल को सीधे सप्लाई एयर सिस्टम में रखा जाता है, जैसे रेफ्रिजरेंट इवोपरेट होता है और फैलता है या एनर्जी को रिमूव कर देता है और एयर के टेम्परेचर को कम करता है। द पॉपुलरिटी ऑफ दिस सिस्टम इज द इंस्टॉलेशन हैज मेड
been made easier, hence reducing the cost of the overall system. ये सिस्टम का पॉपुलैरिटी इसलिए है क्योंकि ये इंस्टॉलेशन इसका इजी होता है और इसको इंस्टॉल करने में कम लागत लगता है। इसके एग्जांपल है मिनी स्प्लिट्स यूनिट, विंडो एयर कंडीशनर, पैकेज यूनिट्स, ये सब डीएक्स सिस्टम के एग्जांपल है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे चिलर सिस्टम। चिलर सिस्टम क्या है? अ सिस्टम दैट यूज वाटर टू कूल द एयर, इन अदर वर्ड्स द वाटर इज कूल्ड वाया द हीट एक्सचेंजर, इज द स्वैप हॉट वाटर विद द कूलेंट फ्रॉम द इवोपरेटर। जी हाँ, चिलर सिस्टम में हवा को ठंडा करने के लिए पानी का यूज किया जाता है। इसमें पानी को हीट एक्सचेंजर के थ्रू ठंडा किया जाता है, इसके साथ गर्म पानी का अदला बदली की जाती है विद द कूलेंट फॉर्म ऑफ द इवोपरेटर। कूलिंग टावर सिस्टम। अ कूलिंग टावर इज स्पेशलाइज्ड हीट एक्सचेंजर इन विच एयर एंड वाटर आर ब्रॉट इनटू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट with each other in order to reduce the water temperature. As this occur, a small volume of water is evaporated, reducing the temperature of the water being circulated through the tower be of higher efficiency in the dry areas. जी हाँ, cooling tower एक specialized, जिसको आप विशेष heat exchanger भी कह सकते हैं, specialized heat exchanger है जिसमें हवा और पानी का एक दूसरे से सीधा संपर्क में लाया जाता है। इसमें पानी के टेम्परेचर को कम करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इवोपरेट हो जाता है, जिससे सर्कुलेट होने वाले वाटर का टेम्परेचर कम हो जाता है। मेजर टाइप ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। विंडो एसी, स्प्लिट एसी, कैसेट एसी, पैकेज एसी, पोर्टेबल यूनिट एसी, HU जो कि DX सिस्टम में भी यूज होता है और चिलर सिस्टम में भी यूज होता है, जियोथर्मल AC। स्टेप्स फॉर सिस्टम सिलेक्शंस। सिस्टम सिलेक्शंस के लिए क्या क्या स्टेप्स जरूरी हैं वो हम देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कूलिंग लोड रिक्वायरमेंट। जी हाँ, हमें लोड कैलकुलेशन निकालना पड़ता है कूलिंग का, उसके पीछे बहुत सारे कैलकुलेशंस और भी हमें करने पड़ते हैं। अंडरस्टैंड टिपिकल एनर्जी यूज फॉर द बिल्डिंग्स टाइप। Selections of techno economical systems, equipment selection, designing air distribution system, designing water distribution system, designing refrigerant distribution system, evaluation of system to be used. Factor to consider during cooling load requirements. जी हाँ, हमें cooling load requirements के time कौन कौन से factors को consider करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें बिल्डिंग लेआउट्स देखने चाहिए, बिल्डिंग लेआउट्स कैसे हैं उस हिसाब से हमें डिसाइड करना है। द फंक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स, वो बिल्डिंग किस पर्पज से बनाया जा रहा है, वो बिल्डिंग हॉस्पिटल है, मॉल है, थिएटर है, कमर्शियल ऑफिसेज हैं, किस पर्पज से बनाए जा रहे हैं, स्कूल्स हैं, उस पर डिपेंड करता है। सबकी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उस हिसाब से हम लोग उसको डिज़ाइन करते हैं। आर्किटेक्चर लिमिटेशंस, आर्किटेक्चर्स हमें देखने पड़ते हैं, उसके लिमिटेशंस देखने पड़ते हैं, किस तरह के आर्किटेक्चर है उस पर डिपेंड करता है। साइज एंड शेप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने साइज कितने एरिया में फैला हुआ है, उसके शेप्स कैसे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, वो सब हमें कंसीडर करना पड़ता है इसके लिए। फिल्ट्रेशन लेवल रिक्वायर्ड, हमें फिल्ट्रेशन लेवल कितना चाहिए वो सब हमें देखना पड़ता है। एम्बिडियंट कंडीशन हमें चेक करने पड़ते हैं। ऑक्युपेंसी हमें जाननी है, उसकी लाइट लोड जानना है हमें, इक्विपमेंट लोड हमें उसका जानना है। फैक्टर अफेक्टिंग सिस्टम सिलेक्शंस। जी हाँ, सिस्टम सिलेक्शंस करते टाइम क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं वो हमें कंसीडर करना है। प्रीफ्रेंसेस ऑफ बिल्डिंग ओनर्स, बिल्डिंग ओनर्स के प्रीफ्रेंसेस मीन्स बिल्डिंग ओनर्स के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो किस तरह के डिज़ाइन चाहते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। उनका बजट क्या है उसके हिसाब से अवेलेबल कंस्ट्रक्शन बजट, आर्किटेक्चर लिमिटेशंस क्या है उसके, लोकल क्लाइमेट वेदर कैसा है वहाँ पर का मौसम कैसा है, उस हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ता है डिज़ाइन। फ्लोर लेआउट्स कैसे हैं उसके, लोकल लोकेशन डायमेंशन ऑफ कॉलम और बीम। जी हाँ, बहुत सारे कॉलम्स और बीम्स भी रहते हैं स्ट्रक्चर्स में, तो उसके डायमेंशंस को और उसके लोकेशंस को भी हमें चेक करना पड़ता है कि उनके लोकेशंस कैसे हैं, किधर आ रहे हैं इक्विपमेंट्स और हमारे रूटिंग्स डक्टिंग रूटिंग्स वगैरह से, तो वो क्लैश नहीं हो रहे हैं।
वो सब चीज भी हमें केयर करना पड़ता है। लाइफ साइकिल कॉस्ट, वो उसके कॉस्ट कितने आएंगे, उनका ड्यूरेशन क्या है, लाइफ साइकिल उसका क्या है, वो लॉन्ग लाइफ चलना चाहिए इस सिस्टम इक्विपमेंट्स, तो उस हिसाब से हम लोग उसको डिसाइड करते हैं। टाइम अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्शन, जी हाँ, हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है कि जो हमें डिज़ाइन दिया जाता है करने के लिए, उसके कुछ टाइम्स लिमिटेशंस होते हैं, उस उतने टाइम्स में हमें उस डिज़ाइन को फिनिश करना है, एंड मेनी मोर, बहुत सारे अदर्स फैक्टर्स हैं जो हम लोग अपकमिंग वीडियो वगैरह में भी डिस्कस करेंगे उसको। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि HVAC इंजीनियरिंग करने के बाद, HVAC डिज़ाइनिंग का कोर्स वगैरह करने के बाद किसी भी इंजीनियर्स के लिए उसका स्कोप क्या रहेगा। डिज़ाइन ऑफ HVAC इंजीनियर, आप ये कोर्स करने के बाद अपना फ्यूचर्स और भी बूस्ट कर सकते हैं। आप नॉर्मली इंजीनियरिंग करके आज के डेट में कहीं पे भी जॉब पाना मुश्किल होता है, तो इसके लिए लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स वगैरह सब करते हैं, जिसमें एक हमारा HVAC डिज़ाइन इंजीनियरिंग है, जो कि आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ये कोर्स करने के बाद आप एक HVAC डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं HVAC के, HVAC डिज़ाइन प्रोजेक्ट को आप हैंडल कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HVAC इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं, जो HU बनाती है, पंप्स वगैरह बनाते हैं, FCUs बनाते हैं, वो सब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी आप जा सकते हैं, जॉब पा सकते हैं। आप ऑपरेशन ऑफ HVAC सिस्टम्स में भी आप उसको हैंडल कर सकते हैं, लेआउट ऑफ HVAC आप बना सकते हैं, ड्राफ्टिंग फील्ड में, डिजाइनिंग फील्ड में आप जा सकते हैं, एनालिटिकल मेंटेनेंस ऑफ HVAC सिस्टम मेंटेनेंस फील्ड में भी जा सकते हैं, टेक्निकल सेल्स ऑफ HVAC सिस्टम, HVAC सिस्टम्स के आप सेल्स डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, फील्ड इंजीनियर्स आप HVAC में जा सकते हैं एज अ फील्ड इंजीनियर, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन आप करा सकते हैं, मेनी मोर। अब यहाँ पे बात आती है कि HVAC इंजीनियरिंग करने के बाद आप कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं, कौन कौन सी किस टाइप की कंपनी में आप जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कमर्शियल बिल्डिंग्स को HVAC इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है, एयरपोर्ट में HVAC इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है, शॉपिंग मॉल्स और HVAC इंजीनियर चाहिए, HVAC इंजीनियर चाहिए शॉपिंग मॉल को भी डिज़ाइन करने के लिए, हॉस्पिटल्स ऑफिस कम्प्लेक्स नीड्स HVAC इंजीनियर्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स नीड्स HVAC इंजीनियर्स, पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स नीड्स HVAC इंजीनियर्स, ऑयल एंड गैस नीड्स HVAC इंजीनियर्स, ऑफशोर इंडस्ट्री नीड्स HVAC इंजीनियर, रिफाइनरी नीड्स HVAC इंजीनियर्स, इंडस्ट्रियल प्लांट नीड्स HVAC इंजीनियर्स, एनर्जी सेक्टर नीड्स HVAC इंजीनियर्स, केमिकल प्रोसेस नीड्स HVAC इंजीनियर्स, EPC इंडस्ट्री नीड्स HVAC इंजीनियर्स, कंसल्टिंग इंजीनियरिंग नीड्स HVAC इंजीनियर, फार्मास्यूटिकल कंपनी नीड्स HVAC इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन नीड्स HVAC इंजीनियर्स, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर नीड्स HVAC इंजीनियर्स, पावर प्लांट नीड्स HVAC इंजीनियर्स। आप देख सकते हैं कितनी सारी कंपनी में HVAC इंजीनियर्स के लिए स्कोप है। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि HVAC इंजीनियर्स के क्या रोल हैं, HVAC इंजीनियर्स का क्या काम है, बेसिक हम लोगों ने जाना HVAC इंजीनियर्स क्या, HVAC सिस्टम के बारे में बेसिक जाना, HVAC सिस्टम होता क्या है, HVAC सिस्टम का कहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये सब बेसिक चीज थी जो हर एक इंसान को जानना चाहिए कि एक्चुअली HVAC है क्या। HVAC डिजाइनिंग के लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे जो कि फुल ऑफ कैलकुलेशंस और एवरीथिंग उसके अंदर रहेगा, जो कि डिटेल में आएगा वो वीडियो। तो आज के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट्स। थैंक यू।